मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू क्लास फिफ्थ। क्लास फिफ्थ आज आपका चैप्टर थर्ड स्टार्ट हो चुका है, आपको पता ही है। तो चैप्टर्स का नाम क्या है? आवर बोन्स एंड मसल्स। तो हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं उसको बोलते हैं, और मसल्स मांसपेशियाँ। तो कल मैंने आपको एक पिक्चर शो करके, मतलब आपके जो बुक में पिक्चर है उसके बारे में बताया था कि हाउस का निर्माण किस तरीके से होता है। अब उसी से रिलेटेड हमारा पूरा चैप्टर है कि अब एक शरीर को बनाने के लिए अंग की ज़रूरत होती है। अंग किस तरीके से बनता है और हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, इस चैप्टर्स के बारे में आप जानोगे। जो बॉडी पार्ट होते हैं उनके कार्य भी होते हैं, फंक्शंस किस तरह का, कौन सा पार्ट काम करता है, तो हम इस चैप्टर में वही सब बताएंगे। तो हमने आपको सेल कोशिकाओं के बारे में बताया था कि जो छोटी छोटी कोशिकाएँ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो टिशू का निर्माण करती है। टिशू से फिर क्या करती हैं, वो एक ऑर्गन बनाती है मिलकर। और ऑर्गन होता है जो हमारे शरीर का अंग होता है, वो दो तरीके से होता है हमारी बॉडी में, बाहर भी होता है, एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है। और ये सब लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बनकर कार्य करते हैं, क्योंकि सब हमारे अंग होते हैं और वो विभिन्न कार्य करते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम होता है क्या प्रणाली होता है, ऑर्गन माने अंग और सिस्टम माने प्रणाली, अंग प्रणाली। तो अंग प्रणाली के कार्य बताए जाएंगे। आवर बॉडी हैज़ मैनी ऑर्गन सिस्टम दैट वर्क टूगेदर एज वन यूनिट। तो जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो एक इकाई के रूप में रहते हैं। द फंक्शन ऑफ 8 मेजर ऑर्गन सिस्टम है लिस्टेड बिलो अलॉन्ग विद द मेन ऑर्गन्स एंड पार्ट एसोसिएटेड विद ईच सिस्टम। तो इसमें है जो हमारे शरीर के अंग हैं जो एक रूप में, इकाई रूप में होते हैं, इसमें 8 प्रमुख अंगों को एक प्रणाली के कार्यों में बताया गया है, और नंबर वाइज इस आपकी बुक में आपको बताएंगे हम। प्रत्येक प्रणाली से जुड़े अंग हैं जो उनके उनके भागों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें है वो सब। सबसे पहले आता है हमारा स्केलेटन। स्केलेटल होता है, स्केलेटल सिस्टम एक कंकाल होता है, क्योंकि हड्डियों का ढांचा होता है उसे कंकाल बोलते हैं। द स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी बिसाइड गिविंग इट शेप्स एंड फॉर्म। ये क्या करता है, हमारे शरीर की शेप मतलब आकार को देने के साथ साथ हमारी बॉडी को ही सपोर्ट भी करता है और हमें प्रोटेक्ट भी करता है। इट हेल्प अस टू मूव, और मूव करने में भी मदद करता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन एंड टिश्यूज़। और ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं और जो इंटरनल आंतरिक अंग होते हैं उसकी सुरक्षा भी करता है। इसमें कौन कौन से आते हैं मेन ऑर्गन एंड पार्ट्स, बोन्स आता है हड्डियाँ, जॉइन आते हैं हमारे जो जुड़ती हैं, लिगमेंट्स, लिगमेंट्स होती है हमारे अस्थि बंधन होते हैं, और कार्टिलेज होती है हमारी बेटा नरम हड्डी जो मूव करती है। तो इसमें स्केलेटन सिस्टम्स कहलाते हैं, ये इसके भाग होते हैं। अब आता है हमारा मस्कुलर। मस्कुलर सिस्टम होता है मांसपेशियाँ जो इसके जो कंकाल होता है उसके ऊपर होती हैं, हमारी चमड़ी जो शरीर की होती है। द मस्कुलर सिस्टम इनेबल अस टू मूव एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। मांसपेशियाँ जो होती है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाती हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ये सक्षम बनाती है। इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा, मसल्स आती है, टेंडोंस, ये हमारा पट्टा कह सकते हैं या फिर नसें कह सकते हैं। अब हमारा आता है बेटा सर्कुलर सिस्टम। मतलब सर्कुलर सिस्टम होता है संचार प्रणाली, संचार किस तरीके से होता है हमारे ब्लड का वो बताएंगे। द सर्कुलेटरी सिस्टम्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू द सेल थ्रू द बॉडी विच इज एकॉम्प्लिश्ड बाय द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये क्या करता है, संचार प्रणाली जो न्यूट्रिएंट होता है हमारी बॉडी का पोषक तत्व पूरे शरीर में सेल के द्वारा सेल तक पहुँचाती है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके द्वारा पूरा होता है, इस तरह से वर्क करता है। ये देखिए मेन ऑर्गन्स पार्ट होते हैं इसके, जो मेन अंग हैं इसके, मेन अंगों के भाग हैं हार्ट है, हृदय, ब्लड है, रक्त, ब्लड वेसल्स, ये हमारी होती है रक्त वाहिकाएं जो इसमें पाई जाती हैं, ये कार्य करती हैं ब्लड सर्कुलेशन का। अब आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, श्वसन क्रिया, श्वसन प्रणाली कहलाती है, सांस लेना। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ, ये क्या मदद करता है, सांस लेने में मदद करता है, हम सांसें लेते हैं उसमें मदद करता है। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस टेक अ प्लेस इन इट,
ये क्या मदद करता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं उसका आदान प्रदान करता है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, इस तरह के हम अपनी सांसें लेते हैं, तो ये उसमें मदद करता है। और इसके ये क्या क्या मेन अंग होते हैं, मेन ऑर्गन्स है, नोज़ है, नाक के द्वारा, ट्रेकिया, ये होती है एक वायु नली जो लंग से जुड़ी होती है, जिसके द्वारा हम सांस को मतलब निकालते हैं और छोड़ते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और निकालते हैं वो इसके द्वारा श्वसन नली जो वायु नली होती है उसके द्वारा करते हैं। इसके बाद आता है हमारा डाइजेस्ट सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम होता है हमारा पाचन क्रिया। पाचन क्रिया होती है जो डाइजेस्ट सिस्टम ब्रेक डाउन फूड इंटू स्मॉलर पार्ट्स टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ये क्या करता है, हमारे भोजन को छोटे छोटे अंगों में विभाजित करता है और जो भोजन होता है हमारा और उसके साथ ये पूरे शरीर में एक ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में जब भोजन लगता है तो ये क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, माउथ, मुख के द्वारा हम भोजन करते हैं, स्टमक, पेट में रखते हैं, थैली होती है हमारे एक पेट की झिल्ली अंदर की तरफ, उसे स्टमक बोलते हैं। और होता है स्टाइन्स, स्टाइन होती है एक तरह की पेटों की आंतें होती हैं वहाँ पर। तो इस तरह से हमारा डाइजेस्ट सिस्टम होता है, पाचन तंत्र। अब आता है बेटा नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम होता है तंत्रिका तंत्र, मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, ब्रेन, ब्रेन के अंदर होता है नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द होल बॉडी, ये पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट हेल्प अस टू थिंक एंड लर्न। जैसे हम सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, तो सब इसके कंट्रोल में होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। इट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द इन्वायरमेंट। और जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ये क्या करता है, परिवर्तन आता है, तो ये क्या करता है, जवाब देता है। मतलब जैसे हमको सर्दी, गर्मी या कुछ तो हमारे शरीर में प्रतिक्रिया होती है ना, वो नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होती है, वो रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि एकदम से माइंड में आया कि हाँ हमें सर्दी है, हमें उसी के द्वारा ही सब कुछ फील होता है। मेन ऑर्गन पार्ट है इसके बेटा ब्रेन है, नर्वस है, ये होती है तंत्रिकाएँ। स्पिन कोड है, स्पिन कोड होता है आपका बेटा जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं उसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये वर्क करती है। अब आता है हमारा एक्सक्रोटरी सिस्टम। एक्सक्रोटरी सिस्टम क्या है, जो हमारे खाना पीना होता है, जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम के बाद जो हमारा वेस्टेज खाना होता है जिसके द्वारा हम निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्रोटरी सिस्टम। मतलब इसको बोला जाता है उत्सर्जन प्रणाली। द एक्सक्रोटरी सिस्टम हेल्प अस टू गेटिंग रेड बॉडी वेस्टेज सच एज अ स्वीट एंड यूरिन। स्वेट एंड यूरिन ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी का वेस्टेज होता है पसीने और मूत्र के द्वारा, जो हम त्याग करते हैं उसके द्वारा ये बाहर निकालता है। जैसे हम किसी कचरे से छुटकारा पाते हैं ना, तो इसी तरह से ये इसमें हमारी हेल्प करता है मूत्र त्याग में और स्वेट के द्वारा, तो हमारे जो शरीर के वेस्टेज गंदगी है वो बाहर निकलती है। इसके मेन ऑर्गन कौन है, किडनी और स्किन। नेक्स्ट है हमारा बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्रजनन प्रणाली। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प अस टू रिप्रोड्यूस यंग वन। तो ये क्या करता है, प्रजनन प्रणाली युवा लोगों को पुण्यपेश में मदद करती है। मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बढ़ाने में मदद करती है, होता है ना एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना, तो ये प्रजनन के ही द्वारा होता है। इसमें रिप्रोडक्शन में मेल ऑर्गन होते हैं डिफरेंट होते हैं, मेल में अलग और फीमेल में अलग पाए जाते हैं। इनके प्रजनन से ही, मेल और फीमेल के प्रजनन से ही दूसरी पीढ़ी का जन्म होता है। तो इस तरह से मैंने आपको अभी ये इस तरह समझाया है और ये डीपली हम आपको कल समझाएंगे द स्केलेटन सिस्टम, जो आपको पूरे स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताएंगे। आज मैंने जितना आपको पढ़ाया है उसे दोबारा से आप रीड करना है और साथ ही साथ आपको चैप्टर सेकंड के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं और इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स आपको टिपिकल मीनिंग लगता है उसे अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, हैव अ गुड डे।